Hello and welcome kids once again to your SST classes of grade 4. And in this part of the video kids, I'm going to explain the keywords plus book exercises of chapter number 9 that was about agriculture and industries. Okay, and the keywords are given in page number 75 of my SST book. So let's see the keywords. First is green revolution. Okay. So increase in food production, production due to increase in the use of fertilizers, fertilizers and machines in agriculture. Now what is green revolution को हिंदी में हरित क्रांति कहते हैं. तो green revolution हमारी country में क्यों आया? तो जो हमारे increase in food production, जो खाने के उत्पादों में जो वृद्धि हुई, बढ़ा वो क्रॉप प्रोडक्शन में. ओके, फूड क्रॉप्स, सीरियल्स लाइक राइस, वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑल्सो इन द कैश क्रॉप्स. ओके, सो इंक्रीज इन, बट मेनली इन द फूड प्रोडक्शन, द इंक्रीज यील्ड्स ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स ड्यू टू इंक्रीज इन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. और ऐसा क्यों हुआ? जो फर्टिलाइजर्स थे, जो केमिकल सब्सटेंसेस थे विच कैन एनरिच द न्यूट्रिएंट्स, एनरिच द न्यूट्रिएंट अमाउंट ऑफ सॉइल, उनके ज्यादा से ज्यादा यूज होने लगे. एंड मशीन्स इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में फार्मर्स स्टार्टेड यूजिंग मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक, साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, साइंटिफिक स्टेप्स फॉर एग्रीकल्चर, हाई क्वालिटी सीड्स, यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, यूज ऑफ हार्वेस्टर्स, कंबाइंस, दीज टाइप ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स दे हैव स्टार्टेड यूजिंग. सो ऑल दीज थिंग्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर दे लीड टू ग्रीन रेवोल्यूशन. Due to this, increase in food production was there. Okay. Next is food crops. Crops that are grown to meet the requirement, R-E-Q-U-I-R-E, requirement of food for the people. ऐसे crops, ऐसी फसलें, crops means फसलें, ऐसी फसलें जो उगाई जाती हैं ताकि लोगों के खाने से, खाने की जो जरूरत है, requirement means need, जरूरत, वो पूरी हो सके, ठीक है, उसे हम कंप्लीट कर सके. तो दोस क्रॉप्स आर नोन एज फूड क्रॉप्स. नेक्स्ट इज द कैश क्रॉप्स. क्रॉप्स दैट आर ग्रोन टू अर्न कैश और मनी. ऐसे क्रॉप्स जो ग्रो किए जाते हैं जिससे कि पैसे कमाए जा सके. ओके, कैश और मनी, दोज आर नोन एज कैश क्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल, जूट, सुगर कैन, टी, स्पाइसेस एक्सेट्रा. मतलब बेसिकली दीज क्रॉप्स आर यूज फॉर कमर्शियल पर्पज, फॉर बिजनेस वैल्यू दे आर इम्पॉर्टेंट, फॉर सेल एंड परचेज ऑफ दीज क्रॉप्स, फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल्सो. इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दीज क्रॉप्स आर इम्पॉर्टेंट. सो दोज आर नोन एज कैश क्रॉप्स. नेक्स्ट इज द पेस्टिसाइड्स. मेडिसिन यूज टू किल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट. ऐसी दवाइयाँ, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को कीड़ों से, या पेस्ट लाइक रैट्स, या ऐसे कुछ स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, रैट्स, मोल्स एक्सेट्रा, तो उनसे अपनी फसलों को बचाने के लिए फार्मर्स यूज पेस्टिसाइड्स. सो दीज आर सम काइंड ऑफ केमिकल मेडिसिन विच आर यूज टू किल इंसेक्ट्स. किल मीन्स मार देना, तो कीड़ों और पेस्ट को, पेस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पेस्ट मीन्स स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स, मोल्स एक्सेट्रा. ओके, which can give harm or which can cause harm to the crops. तो उनको kill करने के लिए जो medicines, जो chemical substances use होते हैं, those are known as pesticides. Next is horticulture. H-O-R-T-I, horti, C-U-L-T-U-R-E, culture, horticulture. Production of fruits in orchards or gardens. मतलब फलों के जो बगान होते हैं, जो orchards होते हैं, orchards means भी बगान होता है, gardens means भी बगीचे होते हैं, ठीक है. तो जो बगीचे फ्रूट्स प्रोडक्शन के लिए, फलों के उत्पादन के लिए मेनली होते हैं, जहाँ पे ज्यादातर फ्रूट प्लांट्स, फ्रूट ट्रीज होते हैं, दोज आर नोन बाय द नेम हॉर्टिकल्चर. मतलब फलों के पेड़ों को उगाना, दैट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर. ओके किड्स, कीवर्ड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द कीवर्ड्स. ओके, टुवर्ड्स दिस डेफिनेशंस ऑफ द कीवर्ड्स. नेक्स्ट इज द रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर. सोन मीन्स बीजों को मिट्टी में डालना, ठीक है, टू पुट द सीड्स इन इनटू द सॉइल एंड देन वाटर देम. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज सोन, सोइंग ऑफ द सीड्स. पहले हम बीज को मिट्टी में डालेंगे, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में डालेंगे, देन ओनली द क्रॉप्स विल, और टाइनी प्लांट्स विल, बेबी प्लांट्स विल ग्रो ना, क्रॉप्स विल ग्रो.
सो द क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर, ऐसी फसलें जो ठंड के मौसम में बोई जाती हैं, उसे हिंदी में सोन को बोलते हैं, बीज को मिट्टी में बोना, तो मिट्टी में डाली जाती है, सो की जाती है. एंड फ्रॉम अक्टूबर, फ्रॉम अक्टूबर विंटर सीजन नॉर्मली रफली स्टार्ट्स, ओके, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब अक्टूबर टू दिसंबर इन क्रॉप्स को सो किया जाता है, मिट्टी में बोया जाता है. एंड एग्जाम्पल्स हैं वीट, ग्राम एक्सेट्रा. ग्राम मीन्स चने, ओके, वीट मीन्स गेहूं. सो दीज कंसिस्ट द रबी क्रॉप्स. एंड वॉट इज अबाउट द खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन विथ द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर, ऐसी फसलें जो सो की जाती हैं ऑनसेट ऑफ मानसून मीन्स बारिश के स्टार्ट होने के साथ ही, ऑनसेट, जैसे ही मानसून हमारी कंट्री में एंटर होता है, विद दैट सीजन, और इनको हार्वेस्ट मीन्स टू रीप द क्रॉप्स, जब फसलें पक जाती हैं, मैच्योर्ड हो जाती है, रेडी हो जाती है, देन कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द क्रॉप्स, तो उनको कट करके इकट्ठा करना, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग. एंड हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर, और इन फसलों की कटाई कब होती है, उसे हिंदी में हार्वेस्टिंग को कहते हैं कटाई, फसलों की कटाई. तो हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स अकर्स इन सेप्टेम्बर, ओके, सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर. नाउ वी, दिस इज ऑल्सो द सेप्टेम्बर मंथ इज गोइंग ऑन, ओके, एंड नेक्स्ट मंथ विल बी द अक्टूबर. सो नाउ द खरीफ क्रॉप्स विल बी हार्वेस्टेड, ओके. And examples of kharif crops are rice, maize, etc. So this was the keywords of your chapter number 9. Now let's move to the book exercises which are present in page number 76 of my SST book. And book exercises you will do in the book itself, okay. So first is multiple choice questions. So choose the correct answer from the given options. For one statement, 4 options are given, but you have to choose the correct option. The rabi crops are grown during, जो रबी क्रॉप्स होते हैं वो कब उगाए जाते हैं, तो अभी हमने पढ़ा है कि वो विंटर सीजन के ऑनसेट के साथ ही उगाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम एक्सेट्रा, तो विंटर सीजन, विंटर्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, वीट, ग्राम, शुगर केन, ऑल ऑफ दीज. सो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप, वीट भी, ग्राम भी एंड sugar cane bhi. So all of these will be the correct option. Third, which of the following is not a rabi crop? Right, not a rabi crop. Rice, wheat, barley, mustard. Rabi crop jo nahi hai. So wheat to rabi crop hai. This will not be the correct option. Rice will be the correct option because rice is not a rabi crop, rice is a kharif crop. Baki wheat, barley, mustard, these are rabi crops, okay. So we have to find out which of the following is not a rabi crop. Jo rabi crop nahi hai, rabi fasle nahi hai. To abhi humne padha hai yahan pe that in the examples of rabi crops, wheat, gram, these are the rabi crops. But rice is an example of kharif crops. It is not a rabi crop. So this will be the correct answer, okay. Next is which of the following is the main producer of spices in India. Spices means masale, okay, like black pepper, chili, cardamom, etc. So which of the following is the main producer? Sabse zyada masale India mein kis state mein produce hote hain? Haryana, Punjab, Kerala. So Kerala will be the correct answer, okay. Not the others, sorry. Fifth, fruit production on a large scale is known as the pisciculture, sericulture, agriculture, horticulture. So right now we have studied that horticulture means production of fruits in the gardens or orchards. So horticulture will be the correct option. Fine. Sixth, which of the following pairs is wrong? Inme se kiski pairing wrong hai? So cottage industry, handloom clothes, it is correct. Small scale industry, utensils. Utensils means bartan. जो नॉर्मल तौर पे हम अपने घरों में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टील के प्लेट हो गए, स्टील के ग्लासेस, स्टील स्पून एक्सेट्रा. देन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, इट इज आल्सो करेक्ट. सो नन ऑफ दीज, मतलब हमें रॉन्ग पेयर ढूंढना था, बट इसमें तो सारे करेक्ट पेयर्स हैं, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री तो जो हैंडलूम क्लोथ्स है, हैंडलूम मीन्स हाथ के करखे से जो बनाए गए कपड़े हैं, बुने हुए कपड़े हैं, दोज कम इन द कॉटेज इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद utensils production and large scale industries associated with iron and steel.
So none of these will be the correct answer. Okay, this you have to do in your notebook, which I will discuss with you later on. First, let's see what are the other book exercises present. Okay, now this also you will do in the book itself. Okay, give three examples for each of the following. Food crops ke three examples aapko dene hain. So you can write rice, then wheat, then pulses or maize. You can also write millets. Okay, these are the examples of food crops. Then cottage industry. So handloom, then what we have studied about shawls, then shoes. You can also write toys. Okay, so these industries comes in the cottage industries, which are very small industries, only few people's works with simple machines and tools. Okay, so that industry is handloom, shawls or toys and shoes industry. Then in the large scale industries, you can write iron and steel. Then you can write textile. Then you can write aeroplane industry. Or you can also write automobiles or railway equipments. Okay, both will be the correct. So this is the large scale industry. Now question number E and F you will do in the notebook. Okay, I will discuss with you. Write the names of two states where the following crops are produced. Matlab, yes, these are the names of the crops given and you have to write down the name of two states where this particular crop is grown on a large scale. Similarly, in question number F, write the name of one center where the following industries are located. मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आपको एक सेंटर का नाम लिखना है. किड्स, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज विद द नेम ऑफ सेंटर्स एंड स्टेट्स. जब आपसे स्टेट पूछा जाए, राज्य पूछा जाए, तो आप स्टेट का नाम दोगे. और जब आपसे सेंटर पूछा जाए, मतलब आपसे पूछा जा रहा है स्टेट के किस पर्टिकुलर शहर में, किस पर्टिकुलर सेंटर मीन्स किस पर्टिकुलर जगह पे, कहाँ पे इसका केंद्र है कि ये इंडस्ट्रीज उस पर्टिकुलर शहर, उस पर्टिकुलर प्लेस या रीजन में स्थित है. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर्स. व्हेन द क्वेश्चन इज आस्किंग टू मेंशन द स्टेट्स नेम, तो यू मस्ट बी नोइंग द 28 स्टेट्स नेम्स ऑफ इंडिया. तो यू हैव टू गिव अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन द स्टेट नेम्स. एंड व्हेन इट इज आस्किंग द सेंटर्स नेम, देन यू हैव टू गिव द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटर वेयर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज लोकेटेड, इज सिचुएटेड. ओके, सो लेट्स नाउ डिस्कस द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. So it is chapter number 9, agriculture and industries. Kids, you also are supposed to first complete the keywords of this chapter in the FAIR notebook of SST, and then you will start with the question answer. And proper date and day should be given, chapter number, chapter name should also be given, and the heading. Very short answer type questions. These should also be mentioned in your notebook. Okay, then only you will start the question answer work. So first question is, which country is the largest producer of sugar cane in the world? तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन मीन्स गन्ने का कौन है? तो ब्राजील कंट्री. जो ब्राजील है, दिस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड. एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ओके, आफ्टर ब्राजील विच कंट्री कम्स? इंडिया, आर कंट्री. बट नंबर वन कंट्री इन शुगर केन प्रोडक्शन इन द होल वर्ल्ड इज ब्राजील, BRAZIL. नेक्स्ट इज, वॉट इज रबी क्रॉप? सो द क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, दैट इज वीट, ग्राम एक्सेट्रा. सो दीज आर नोन एज रबी क्रॉप्स. राइट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ड्यूरिंग द कीवर्ड्स दैट यस, रबी क्रॉप्स मीन्स द क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विच आर सोन. जो फसलें विंटर सीजन के ऑनसेट के साथ ही लगाई जाती हैं, ठीक है, from October to December. So these are known as rabi crops. It is wheat, gram, etc. Question 3 is, name any 5 kharif crops. Aapko kisi bhi 5 kharif crops ke examples dene hain. So these are rice, millets, maize, jute and cotton. So these are some of the examples of kharif crops. Next question is, what is an industry? So industries are the centers where we
manufacture products from raw materials after processing them. processing them. So industries जो हैं, जो कल कारखाने होते हैं, जो factories बड़े बड़े scale के होते हैं, they are the centers, वो केंद्र होते हैं जहाँ पे manufacture means to produce या to make, to prepare, okay, to get ready, जहाँ पे products को, किसी भी उत्पाद को, किसी भी चीज को manufacture बनाया जाता है from raw materials, उस उत्पाद के, उस product के raw materials, रॉ मटीरियल से. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज प्लास्टिक इंडस्ट्री और वहाँ पे कोई प्लास्टिक के कोई मेजर स्केल पे, वैसे प्लास्टिक तो डजंट कम इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट कम्स इन द कॉटेज इंडस्ट्री. आई वॉज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज देयर, तो आयरन एंड स्टील से जो भी सामान, जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसके लिए रॉ मटीरियल चाहिए, हमें रॉ आयरन मिनरल चाहिए. स्टील के लिए भी आयरन यूज होता है एंड कोल एंड कार्बन, दीज थिंग्स आर बीइंग यूज्ड. तो ये सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करके, उनको प्रोसेस करके, ठीक है, उनके स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसेसिंग फॉलो करके जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, इंडस्ट्रीज वही सेंटर होते हैं. ठीक है, सो इंडस्ट्रीज आर द सेंटर्स वेयर वी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स आफ्टर प्रोसेसिंग देम. आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स फाइनल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड in the industries. Name the crop. Next question is, name the crop products exported by India. आपको कुछ ऐसे crop products के नाम लिखने हैं जो India से export होते हैं, ठीक है, जो India जिन्हें export करती है. तो tea हो गया, ठीक है, groundnuts हो गए, basmati rice, etc. Groundnut means मूंगफली. तो चाय, groundnuts, basmati rice, these are some of the crop products which India is exporting to other countries. Fine. Now, sixth question is, define the term cottage industries. Okay, these are also very important. Define or explain the term cottage industry, ya large scale industry, ya small scale industries, ya explain the aeroplane industry, ya railway equipment centers ke baare mein kuch batao. So, these type of questions may also come. Fine. So, you have to thoroughly read the chapter and have a better concept clarity about everything. So when a few people work and make things at home with simple tools and produce goods, goods means saman, things, okay, like handloom cloth, shoes, shawls, toys, etc., it is called a cottage industry. Jab few matlab bahut kam, jab bahut kam log काम करते हैं और चीज़ें बनाते हैं अपने घर पे ही विथ सिंपल टूल्स, मतलब बहुत ही छोटे मोटे औजारों के साथ, छोटे मोटे मशीनों के साथ, सिंपल मशीनों के साथ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनों की उसमें ज़रूरत नहीं होती. ऐसे सिंपल टूल्स जैसे कि सुइंग मशीन, जो सिलाई की मशीन होती है, जो घरों पे अवेलेबल होती है, तो इनको यूज़ करके, आई वॉज जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल टूल्स या सिंपल मशीन्स के एग्जाम्पल में चीज़ें आ सकती है, लाइक जो आपके मिक्सर ग्राइंडर हो गए, इट इज़ ऑल्सो सिंपल टूल्स, एवरी हाउस इज हैविंग दिस थिंग. ओके, लाइक आपकी सिलाई की मशीन हो गई, स्विंग मशीन उसे कहते हैं. फाइन, तो सिंपल टूल्स को यूज करके जब थोड़े से लोग अपने घरों पे ही चीज़ें बनाते हैं और कुछ सामान को प्रोड्यूस करते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुड्स और थिंग्स, और वो गुड्स या थिंग्स क्या हो सकते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो दे मे बी हैंडलूम क्लोथ्स, शूज, शॉल्स, टॉयज, एक्सेट्रा, देन इट इज ओनली नोन एज द कॉटेज इंडस्ट्री. ओके, so for this part of the video kids, this much only. Short answer type questions I will be discussing with you very soon in my next part of this chapter video. So for the time being, this much only. Thank you for the class.